शिवपुरी में घर के बाहर खड़ी महिला के गले से बदमाशों ने चेन लूट ली। महिला घर के बाहर सुबह अपनी किराने की दुकान के बाहर खड़ी हुई थी, जिसके बाद एक मोटरसाइकिल से दो बदमाश आते हैं और महिला की किराने की दुकान पर पुड़िया लेने का बहाना बनाते हैं और अचानक महिला के गले से चेन को लूटकर ले जाते हैं। इस घटना के बाद पूरा मोहल्ला दहशत में आ गया है। यह पूरी घटना वहां पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। शिवपुरी में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी चोरी की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। इस केस में अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से लुटेरों की पहचान करने में लगी है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। श्रीमती सावित्री जैन। अच्छा जी, सुबह आपके साथ घटना हुई, क्या हुई? कुछ नहीं, मैं झाड़ू पोछा करके निपटी थी, कचरा जला रही थी। दो लड़के आए बाइक से, उन्होंने बाइक वहाँ पर रोकी, एक आ गया पास में, बोला माँ जी पुड़िया दे दो, तो बस मैं पुड़िया को मुड़ी हूँ, इतने मेरी गले से चैन छीन के ले गए। कितनी लगभग उसमें वजन कितना हुआ? ढाई ढाई तीन तोले के जिसने। कितने कीमत होंगे? ये को 1.5 लाख के। नहीं निकला हुआ था। सामने आएगा तो पहचान में आ सकता है। आपको किसी पर शक है? नहीं। हाँ, लगा है ऐसा का, थोड़ा देखा हुआ है, ऊपर पक्का तो मैं नहीं कह सकती। अच्छा, जैसे कि अगर छानबीन के लिए आपको थाने बुलाया जाता है और चोरों को मतलब ऐसे पहचानने में आपकी हेल्प लें तो आप पहचान सकती हैं? तो बिल्कुल पहचानेंगे, आएगा नजर में तो बिल्कुल पहचानेंगे। और कभी दुकान में पुड़िया पुड़िया लेने आए? वही तो बोल रहे हैं, आए हो तो इतना ध्यान थोड़ी देते हैं, ग्राहक सुबह शाम तक 1000 आते हैं, किस किस पे ध्यान दोगे आप? इससे पहले भी आपके यहाँ पे कभी चोरी या ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया? नहीं, कभी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।